अदर कंट्रीज है उनके ट्रक ड्राइवरों में क्या फ़र्क दिखाई देता है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए डिप्रेशन होता है कि कहीं साइड से इधर से लग ना जाए, कहीं इधर से ना लग जाए। इसलिए विदेशों में क्या होता है कि ये बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं और खुली सड़कें होती हैं, और जिससे कि आराम से ड्राइविंग हो पाती है। और हमारे यहाँ इंडिया में औसतन ट्रक ड्राइवर की टोटल एवरेज स्पीड देखते हैं तो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा पड़ती है। और वही विकसित कंट्रीज है जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ औसतन स्पीड इन ट्रकों की लगभग 80 किलोमीटर प्रति हावर्स वो निकाल देते हैं एक घंटे में, क्योंकि वहाँ एक तो ट्रैफिक का संतुलन सही है, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता है वहाँ पर, खुली सड़कें इसलिए, और एक अलग अलग लाइनें बनी हुई होती हैं इसलिए वहाँ से परेशानी नहीं होती गुजरने में ट्रक को, और खुली सड़कें होने के कारण। और दूसरी बात यह है भी वो परेशान नहीं होता ट्रक ड्राइवर, इसलिए हमारे यहाँ इंडिया में ट्रक ड्राइवरों को लगभग 10,000 रुपये प्रति महीना सैलरी मिलती है, जो वहाँ के यहाँ के हिसाब से बहुत बहुत कम है, और जिससे घर खर्च चलाना भी मुश्किल है। और यहाँ पर सुरक्षा के बहुत कम इंतज़ाम है और ट्रक ड्राइवरों के लिए, और 12 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है, वहाँ तो सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी है इसलिए। और वहाँ पर ट्रक ड्राइवरों को सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी करनी होती है, उसके बाद में रेस्ट करना होता है उन्हें। और वहाँ माइलेज के हिसाब से डॉलर दिए जाते हैं, और लगभग 2.5 लाख रुपए तक एक महीने में ये बना लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।